नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिजनेस की बात प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। भारत सरकार ने 59 मोबाइल एप्स को बैन कर दिया है। देश की रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता और लोगों की निजता का हवाला देते हुए ये सभी ऐप बैन किए गए हैं। इनमें टिकटॉक जैसे मशहूर चाइनीज ऐप भी शामिल है। साथ ही शेयरइट और कैम स्कैनर जैसे उपयोगी ऐप भी बैन कर दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि ऐप किस तरह से बैन किए जाएंगे। क्या नए ऐप डाउनलोड करने की सुविधा खत्म कर दी जाएगी या फिर पहले से मौजूदा ऐप भी काम करना बंद कर देंगे? तो आइए बात करते हैं और सरकार के फैसले के हिसाब से समझते हैं कि आगे क्या होगा, ये फैसला क्यों लिया गया, कैसे लागू होगा और इसका क्या असर होगा। आपको बता दें कि आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा थे, इसलिए मोबाइल और नॉन मोबाइल इंटरनेट डिवाइस में इन्हें बैन किया गया है। यानी मोबाइल के अलावा किसी अन्य माध्यम से भी अब इन ऐप्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अब लोगों का सवाल है कि आखिर इस फैसले की जरूरत क्या थी। तो आपको बता दें कि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि उन्हें मोबाइल ऐप के गलत इस्तेमाल की जानकारी मिल रही थी। यूजर्स का डाटा भारत से बाहर ट्रांसफर किया जा रहा था और इसलिए ये बैन लगाया गया है। इसके साथ ही टेलीग्राफ एक्ट के तहत संचार मंत्रालय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी वेबसाइट या ऐप का डाटा रोकने को कह सकता है। इतना ही नहीं, अगले एक दिन में इन सभी ऐप का डाटा रोक दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से भी ऐप हटा दी गई है और अब इनके अपडेट भी नहीं मिलेंगे। और ऐसा होने के बाद यूजर्स को फीड मिलनी बंद हो जाएगी और केवल पुराने वीडियो ही दिखेंगे। आपको बता दें कि ये सब सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है, बल्कि चीन में भी गूगल और फेसबुक को बंद कर दिया गया है। दुबई में आप व्हाट्सएप पर चैट तो कर सकते हैं लेकिन कॉल नहीं कर सकते। ये भी बता दें कि ये प्रतिबंध अंतरिम है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में इन ऐप के उन दावों का खंडन किया था जिनमें कहा गया था कि सर्वर सिंगापुर में है और डेटा चीन नहीं जाता। जबकि एप्पल की रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि इन ऐप पर डेटा सुरक्षित नहीं है। हालांकि सरकार के आदेश के बाद ऐप हटने शुरू हो गए हैं। वहीं टिकटॉक ने भी अपनी सफाई में कहा है कि वो इस पर काम कर रहे हैं। साथ ही टिकटॉक ने यह भी कहा कि किसी भारतीय यूजर की जानकारी अन्य देश जिसमें चीन भी शामिल है उसको नहीं दी गई है। सरकार के इस फैसले का क्या होगा असर? 59 ऐप्स बैन होने के बाद भारतीय यूजर्स पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐप्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं तो कुछ का इस्तेमाल प्रोफेशनल लेवल पर किया जाता है। आपको ये भी बता दें कि कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जिससे आपका काम आसान होता है। बात की जाए टिकटॉक की तो टिकटॉक के फिलहाल 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। साथ ही हेलो, लाइक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बड़ी तादाद में भारतीय यूजर्स हैं। ये ऐप भले ही चीनी हो लेकिन इनसे भारतीय लोगों का रोजगार भी चलता है। ज्यादातर ऐप की ऑफिस भारत में है, बड़ी संख्या में वहाँ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ऐसे में जब कोरोना संकट काल में देश बेरोजगारी की समस्या से पहले ही जूझ रहा है, ऐसे में इन कंपनी से जुड़े लोगों की नौकरी पर भी संकट के बादल छा गए हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये ऐप्स परमानेंट बैन हो गई हैं या फिर कुछ वक्त के लिए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें अब ये कमेटी तय करेगी। प्रतिबंध ऐप अपना जवाब देंगे जिस पर विचार के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले साल कुछ दिन के लिए टिकटॉक पर बैन लगाया गया था, लेकिन कोर्ट का आदेश हटते ही ऐप वापस आ गया था। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? टिकटॉक और बाकी ऐप्स को बैन करने का क्या असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा। साथ ही नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।